हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी कवर कर रहे हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह की इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। रमेश सिंह की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी कोई सब एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 11 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, बैंकिंग इन इंडिया हमने कवर कर रखा है। चैप्टर 11 से पहले तक के सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 12 आज कवर करेंगे, इंश्योरेंस इन इंडिया इसका टॉपिक है। तो छोटा सा एक यहाँ पे कोट दिया गया है, दैट इंश्योरेंस इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग इन रिवर्स, ए मेजर फॉर्म ऑफ रिस्क स्प्रेडिंग वेयर वन पर्सन्स रिस्क विच वुड बी लार्ज इन स्प्रेड अराउंड टू मेक इट स्मॉल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन दिस प्रोसेस इट सर्व्स टू पर्पसेस, दैट इज प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी नेट टू पीपल एंड हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग बाई मेकिंग अवेलेबल इन्वेस्टेबल कैपिटल। इसका मतलब है कि गैम्बलिंग है। कैसे? मतलब कि आपने गैम्बल लिया है, एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आपने 1000 लोगों का इंश्योरेंस कर रखा है। 1000 लोगों का एक साथ तो ऐसा तो है नहीं कि डेथ हो जाएगा या फिर उनके प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। तो सबसे आप प्रीमियम ले रहे हो और उसमें से क्या है, कुछ बंदों का कुछ हो गया मान लो, तो आप उसको पे कर रहे हो। ये गैम्बल ना ही सिर्फ कंपनी के लिए है बट इंडिविजुअल के लिए भी है। इंडिविजुअल अपने आप को सिक्योर करता है कि भाई हो सकता है कुछ हो जाए, तो गैम्बल खेलता है। ठीक है, तो गैम्बल है इन रिवर्स, ए मेजर फॉर्म ऑफ रिस्क स्प्रेडिंग है। जैसे कि मैंने बताया ना कि 1000 लोगों का रिस्क जो है, या फिर एक आदमी का रिस्क जो है 1000 लोगों पे फैला है। ठीक है, एक आदमी कोई इंश्योरेंस करवाया, 1000 लोगों ने कराया, लेकिन होगा किसी एक को कुछ, तो वो सबको जो सबने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसी का पैसा जाएगा उसके ऊपर। विच वुड बी लार्ज इन स्प्रेड अराउंड टू मेक इट स्मॉल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन दिस प्रोसेस इट सर्व्स टू पर्पसेस, दैट इज सोशल सिक्योरिटी नेट लोगों को देता है। डेफिनेटली जो इंश्योर हो गए वो कल को कुछ होता भी है तो मान लो उनको पैसा मिल जाएगा, और नेशन बिल्डिंग में भी काम करता है क्योंकि पैसा आ जाता है कंपनियों के हाथ में, जो कि पैसा लगा देती हैं वो मार्केट में। सो इस चैप्टर में हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस पढ़ेंगे, तो मतलब सरकारी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रिफॉर्म्स देखेंगे, री इंश्योरेंस पढ़ेंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस देखेंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी देख लेंगे, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस देख लेंगे, रीसेंट जो इंश्योरेंस के रिफॉर्म हुए हैं उसको भी देखेंगे, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इंश्योरेंस इंक्लूजन देखेंगे, और लास्ट में वे फॉरवर्ड देख के वाइंड अप कर जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब होता है हेजिंग, डी रिस्किंग। इंश्योरेंस का मतलब होता है हेजिंग, डी रिस्किंग। जैसे मैंने बताया ना कि 1000 लोगों ने इंश्योरेंस तो कराया, होगा किसी 4 को, 1 को, 10 को, जो भी होगा, तो वो हेजिंग है। एक बंदे का रिस्क 1000 लोगों पे फैल गया है। इन द मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योरेंस ऑपरेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, इट मोबिलाइज फंड बाय सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एट प्रीमियम्स। हम खरीदते हैं, LIC से खरीद लेंगे लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम देते हैं उसका, ठीक है, एंड इन्वेस्ट कर, जो कंपनी है मान लो LIC है, वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर देती है फंड को फाइनेंशियल सिस्टम से में, और उस पैसे से जो अर्निंग करती है वो जो है वो फिर से मान लो किसी को कुछ हो जाता है तो उसको दे देती है, भाई चलो किसी का कुछ हो गया तो जितना इंश्योर्ड अमाउंट है उसको मिल जाता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज टू सेगमेंट्स, लाइफ सेगमेंट एक है और दूसरा है। लाइफ सेगमेंट में क्या है, ह्यूमन लाइफ कवर किया जाता है, और दूसरा जो सेगमेंट है नॉन लाइफ या फिर जनरल सेगमेंट कहते हैं, इसमें जो है सब कुछ कवर हो सकता है। आप अपने पशु का इंश्योरेंस करा लो, फसल का इंश्योरेंस करा लो, व्हीकल्स का इंश्योरेंस करा लो, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा लो, ये सब नॉन लाइफ सेगमेंट है। मतलब यहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, नॉन लाइफ सेगमेंट है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करेंगे, सो इंश्योरेंस एज ए डीप रूटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, काफ़ी डीप रूटेड है, बहुत पहले से चला आ रहा है। वी फाइंड इट्स मेंशन इन द राइटिंग ऑफ मनुस्मृति, मनु ने जो मनुस्मृति लिखी थी उसमें भी हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। यज्ञवल्क्य में भी, धर्म शास्त्र में भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है इसके बारे में। और ये जो राइटिंग्स है, द राइटिंग स्टॉक्स ऑफ द टर्म्स पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस, हमें बताता है कि कैसे रिसोर्सेज को पुल करके
दिस कुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम्स ऑफ कैलमिटीज सच एज अगर फायर हो गया, बाढ़ आ गया, इपिडेमिक्स आ गई, फेमीन आ गई, तो कैसे उसको जो है उस केस में उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। दिस वॉज प्रोबेबली ए प्री कर्सर टू द मॉडर्न डे इंश्योरेंस, डेफिनेटली इसी के जैसा तो लगता ही है ना। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है इट हैज़ प्रिजर्व्ड द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ इंश्योरेंस इन द फॉर्म ऑफ मैरीन ट्रेड लोन्स, कैरियर्स, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी देखा है हमने। इंश्योरेंस इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम हेवली ड्रॉइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या फंक्शन प्ले करता है? सो बेसिकली इंश्योरेंस प्लेज थ्री वाइटल फंक्शंस इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। नंबर वन, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करता है। बहुत सारे लोग इसमें जब इंश्योरेंस की पॉलिसी प्रीमियम खरीदते हैं तो पैसा मार्केट में आता है, तो रिसोर्स तो मोबिलाइजेशन होता ही है, नेशन बिल्डिंग के काम आता है इन टर्न वो पैसा। इट ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल लाइक कटिंग और हेजिंग फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अदर एसेट लाइक सोशल इकोनॉमिक फंक्शन भी ये काम प्ले करता है। कटिंग और हेजिंग फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अदर एसेट लाइक सोशल इकोनॉमिक फंक्शन भी ये प्ले करता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स ए सेफ्टी नेट दैट स्ट्रेंथन्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट के आइडिया को ये सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि मतलब जो लोग इंश्योर्ड है सोशल सिक्योरिटी नेट में आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो पर्पज़ को पूरा करता है। द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंडस्ट्री इन इंडिया फॉर ए कॉजेज साइटेड अबव, जो ये तीन कारण बताए उन्हीं कारणों की वजह से ना गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया। एंड व्हेन द इंडस्ट्री वाज डी कंट्रोल्ड फ्रॉम फॉर द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर टुगेदर विद द बिगिनिंग ऑफ डी नेशनलाइजेशन द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्री रिमेन द सेम। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं, पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस की। सो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री दिस वाज गिवन एन ऑर्गेनाइज्ड टच विद द गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स ने ही इसमें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद इफ़ यू पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी लेके आई जिसे PSIC कहते हैं, दे वर सेटअप। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए 1999-2000 में। दीज जो पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां हैं दे वर रीस्ट्रक्चर एंड स्टैंड्स एज गिवन बिलो। अब जो है LIC है जो एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो कि लाइफ सेगमेंट में काम करती है। द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1956। ये साल याद रखना, सवाल पूछेगा आपसे। द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1956 बाई नेशनलाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। उस समय के जो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस की कंपनियाँ थीं उनको नेशनलाइज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना दिया गया, सो दैट द इमर्जिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड गवर्नमेंट का सपोर्ट के साथ। दो इट्स इन डिस इन्वेस्टमेंट अकर्ड बाई अर्ली 2010 डिस इन्वेस्टमेंट हुआ। द शेयर्स वेर नॉट सोल्ड टू पब्लिक, शेयर्स जो है पब्लिक को सोल्ड नहीं किए गए। इट वॉज ओनली इन 2022 दैट द गवर्नमेंट सोल्ड इट्स 3.5% शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर आफ्टर विच वॉज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। 2022 में ही इसने अपना 3.5% शेयर जो है IPO ला के बेचा है स्टॉक मार्केट में, और आज के डेट में ये स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है लाइफ सेगमेंट को छोड़ के नॉन लाइफ सेगमेंट में सारे काम करती है। सो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1972, अगेन ये ईयर याद कर लो, बाई नेशनलाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस विच यूज्ड टू होल्ड द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। चार वो कौन कौन सी थी जिनको मिला के GIC बनाया गया, वो थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। चारों को मर्ज करके बनाया गया GIC 1972 में। सो अंडर इंश्योरेंस रिफॉर्म्स जो दो जो डेवलपमेंट हुए बड़े वाले वो देख लेंगे।
सो सन 2000 में द GIC वाज नोटिफाइड एज ए री इंश्योरेंस कंपनी, जिसे GIC री कहा गया। सन 2000 में GIC को नोटिफाई किया गया एज ए री इंश्योरेंस कंपनी और इसका नाम रख दिया गया GIC री। एंड 2002 में इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होल्ड द फोर पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, दिस वाज विथड्रॉन सिंस देन दे आर डायरेक्टली ओन्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, वो चारों को 2002 में हटा लिया गया। इन 2024-25 द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू सेल अनदर 10.78% स्टेक इन GIC फ्रॉम ऑफशोर शेयर सेल करके 10.78% और शेयर सरकारी से अपना जो है डिस इन्वेस्ट करेगी। द गवर्नमेंट इज ऑबलाइज टू कट इट्स ऑनरशिप टू 75%, हैंस जो है 10.78% जो है बेचना पड़ेगा एज पर द रेगुलेशन जो है सेबी का आया था 24 अगस्त 2024 तक कर देना है। अब आता है AICIL, इसका फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट एज अ डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल इंश्योरर के तौर पे इसको सेटअप किया गया था 2002 में। एंड इट इज़ ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय GIC 35% इसमें GIC का शेयर है, नाबार्ड का शेयर इसमें 30% है और चार जो पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है कंपनियाँ हैं उनका सबका 8.75% उनका सभी का है। इट लुक्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना एलॉन्ग विद द अदर प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो है 2015 में आई थी, जिसमें इंश्योरेंस दिया जाता है किसानों को और ये AICIL ही के थ्रू दिया जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट इंश्योरेंस रिफॉर्म्स जो हुए हैं। सो अंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1991 में स्टार्ट हो गया था, एन इंश्योरेंस रिफॉर्म कमिटी वॉज सेटअप इन अप्रैल 1993 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्स RBI गवर्नर जिनका नाम है RN मल्होत्रा। ये कमेटी का नाम याद कर लो इनके चेयरमैन का, ये पूछेगा बार बार आपसे, ठीक है। RN मल्होत्रा साहब जो फॉर्मर RBI के गवर्नर थे उनके चेयरमैनशिप में इंश्योरेंस रिफॉर्म कमिटी बनाई गई एंड द कमिटी हैंडेड ओवर इट्स रिपोर्ट जनवरी 1994 में। अपना रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया और मेजर जो सजेशन दिए वो देख लेंगे। इन्होंने सजेशन ये दिया कि भाई डी कंट्रोल होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर का, डी कंट्रोल होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर का। इसका मतलब ये है कि अलाउ करना चाहिए इंडियन एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं वो आए और इस सेगमेंट में भारत की हेल्प करें। इंश्योरेंस कंपनी टू इंटर द सेक्टर, गवर्नमेंट डिड इट इन 1999 बाई पासिंग IRDA एक्ट पास करके लाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास करके, और IRDA बना भी। सो रीस्ट्रक्चरिंग जो है LIC और GIC का एंड कटिंग डाउन द गवर्नमेंट होल्डिंग इन देम टू 50%। गवर्नमेंट का स्टेक इतना ज़्यादा क्यों रखा जाए इसमें अननेसेसरी, प्राइवेट प्लेयर आएगा माल डालेगा तो अच्छा रहेगा, अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी सोचेगा और इसको तुल मिलेगी। By late 2012, the government started sale of LIC shares, but to PSUs, seen as a welcome move. ठीक है, in 2022-23, government diluted its ownership in LIC by 3.5%, जब इसका IPO लाया गया था, initial public offer, और खूब सब्सक्राइब किया लोगों ने इसको, और ये शेयर भी चला, खूब चला। डी लिंक कर दिया गया है GIC को 4 सब्सिडरीज से, जो कि 2000 में ही कर दिया गया कि भाई हटाओ और उनको जो है पूरा सरकारी कंपनी बना दो, GIC से अलग कर दो, अननेसेसरी बर्डन हो रहा था। इसके अलावा डिस्कार्डिंग द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ सर्वेयर्स बाय कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, ये भी सिस्टम हटाया गया। रिस्ट्रक्चरिंग द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एंड सेटिंग अप ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो कि IRDA का गठन 2000 में करके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, सेटअप करके जो एक इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटी बन जाएगी इस फील्ड को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेशन की बात करें तो IRDA ही तो बना ही, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 2000 एज ए रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। FDI जो है इसमें अलाउ किया गया इंश्योरेंस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ परमिटेड इन द सेक्टर
अप टू 75% इंश्योरेंस कंपनीज में हो सकता है, और इंश्योरेंस के जो इंटरमीडियरीज हैं उनमें 100% हो सकता है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला जो सवाल है 74% ये पूछा जाता है बार बार, और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी वाला तो 100% है ही, ये भी याद रखेंगे आप। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में देख लेते हैं। सो बाई मार्च 2024 ए टोटल नंबर ऑफ 58 इंश्योरेंस कंपनीज वेर ऑपरेटिंग इन द कंट्री, विच आउट ऑफ विच 24 जो थे लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, और 34 जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक जो है लाइफ, इंक्लूडिंग वन पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस है जो कि LIC ऑफकोर्स, और 4 पब्लिक जनरल इंश्योरेंस है जिसमें अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके की हैं। 2 स्पेशलाइज इंश्योरेंस है जो कि एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड है, एक AICIL है और एक एक्सपोर्ट क्रेडिट वाली है। बिसाइड्स 1 पब्लिक री इंश्योरेंस जो कि GIC है, और 10 फॉरेन इंश्योरेंस भी कंपनियां जो काम कर रही हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज को भी जो इंश्योर कर दे इंश्योरेंस कंपनी को भी जो री इंश्योर कर दे उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। सो बाई इंश्योरिंग लाइफ एंड एसेट इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं दे एक्सपोज देमसेल्फ टू वेरी हाई फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। टू कट देयर फाइनेंशियल रिस्क दीज कंपनीज फर्दर बाई इंश्योरेंस फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करती हैं री इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवा लेती हैं। टिल 1998 जो था ओनली पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी दे वर ऑपरेटिंग एंड द नीड ऑफ री इंश्योरेंस वॉज नॉट फेल्ट एज द गवर्नमेंट यूज टू वर्क एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इट, गवर्नमेंट जो है यूज टू वर्क एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इट, ठीक है। हाउएवर वंस द सेक्टर वॉज डी कंट्रोल्ड 1999 में जब डी कंट्रोल हुआ, सच ए नीड वॉज फेल्ट टू टेक केयर ऑफ द री इंश्योरेंस एक्टिविटी, द गवर्नमेंट कन्वर्टेड द अर्स्ट वाइल GIC इंटू री इंश्योरेंस कंपनी इन 2000 एंड GIC री जो है वो बन गया। इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरेंस रिफॉर्म्स द सेक्टर वॉज ओपन्ड फॉर प्राइवेट एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट, 2015 में ओपन किया गया बाई गवर्नमेंट। टूडे एलॉन्ग विद द पब्लिक री इंश्योरर द GIC जो है वो 10 फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी मुनीच री जर्मनी की जो है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी स्विस री जो है स्विट्जरलैंड वाली, और थर्ड लार्जेस्ट जो कंपनी है हैनोवर रक सी जो कि जर्मनी की, ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द कंट्री। अब हम देख लेंगे डिपॉजिट का इंश्योरेंस। डिपॉजिट जो आप करते हो बैंकों में जो खाता बना के जो जमा होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब आपने सर्टेन कुछ अमाउंट जमा कर दिया है, तो मान लो 20 लाख जमा किया, तो आपको 20 का 20 तो गारंटी नहीं होगा बैंक फेलियर के बाद। मान लो बैंक ही फेल कर गई तो आपका 20 का 20 लाख तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 5 लाख ज़रूर मिल जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा ये दे दिया जाएगा। तो DICIG जिसे मैंने बताया अभी कि इसका नाम जो फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बोलते हैं, दिस वाज सेट अप बाय मर्जिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, दोनों को मर्ज किया गया था 1978 में और DICGC बन गया। वाइल डिपॉजिट इंश्योरेंस हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आउट ऑफ द कंसर्न टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम एंड हेल्प मोबिलाइज डिपॉजिट्स। तो क्यों नहीं भाई, आप बैंकों में पैसा इतना जमा कर देते हो लेकिन आपको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए कुछ फ्रॉड हो जाए तो। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन वॉज इसेंशियली इन द रियल ऑफ कन्फर्मेशन एक्शन टू इंश्योर द क्रेडिट नीड्स ऑफ द हिथर्टो नेग्लेक्टेड सेक्टर एंड वीकर सेक्शन वेर मेट। द एसेंशियल कंसर्न वॉज टू प्रजॉर्ड बैंक्स टू मेक क्रेडिट अवेलेबल नॉट सो क्रेडिट वर्दी क्लाइंट, उनको भी क्रेडिट देने के लिए लाया गया था। आफ्टर द मर्जर द फोकस ऑफ DICGC हैज शिफ्टेड ऑन टू क्रेडिट गारंटी, कि भाई आपने पैसा जमा किया तो आपको क्रेडिट गारंटी मिलना चाहिए कि वो डूबेगा नहीं। दिस ओड इन पार्ट टू फैक्ट दैट मोस्ट लार्ज बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो कि 1990s में स्टार्ट किए गए थे, क्रेडिट गारंटी हैव बिन ग्रेजुअली फेज्ड आउट एंड द फोकस ऑफ द कॉरपोरेशन इज वियरिंग बैक टू इट्स कोर फंक्शन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस।
ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस का ही मेन जो है आपको आज के डेट में ये काम करती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवर्टिंग पेनिक्स, रिड्यूसिंग सिस्टमेटिक रिस्क एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपका कितना जो है डिपॉजिट इंश्योर है वो जान लीजिए। सो इंश्योरेंस कवर अवेलेबल ऑन द बैंक डिपॉजिट वाज इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 1 लाख जो था उससे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था 1 फरवरी 2020 को। उससे पहले 1 लाख तक ही आपका पैसा इंश्योर था कि भाई आप 10 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, बैंक में कितना भी लगाओ, अगर फ्रॉड होता है तो आपको 1 ही लाख मिलेगा। फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस डिपॉजिटर्स डू नॉट पे एनी प्रीमियम, रेदर अ नॉमिनल प्रीमियम इज कलेक्टेड बाई DICGC फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से लेती है वो। द स्कीम कवर्स ऑल बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव, इवन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया के भी ये जो है इसको भी ये क्रेडिट गारंटी देता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस करता है। एंड इवन ब्रांचेज ऑफ फॉरन बैंक्स इन इंडिया जो कि सर्टन एग्जेम्पशन सच एज डिपॉजिट ऑफ फॉरन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इसको नहीं करता, एंड इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं करता है, बाकी जो आम आदमी के पैसे उसको कर देता है। अब ये जो है ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, देखो भारत जो है ना वर्ल्ड में ट्रेड करता है डिफरेंट कंट्रियों के साथ, तो उनके साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता रहता है। सो द ओवरसीज प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाई इंडियन कंपनीज फेस मेनी पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क। ओवरसीज कंपनी जो है भारत से बाहर जाके भी फॉरेन में अपना कंपनी बनाई हुई है, काम कर रही हैं, वो जो हैं वो दे फेस मेनी पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क इन इम्पोर्टिंग कंट्रीज जहाँ पे वो कर रही हैं काम। टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट इंश्योरेंस टू कवर सच फॉर्म्स द गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे ECGC कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इसको बनाया गया है फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया है। बट ओइंग टू इट्स ओन लिमिटेशंस एट टाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द ECGC दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन टू कवर प्योर कॉमर्शियल रिस्क इन इशूज सच एज लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड होता है इनका, लार्ज वैल्यू होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एंड डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशन हो सकते हैं इम्पोर्टिंग कंट्रीज में, टुगेदर विद द फैक्ट दैट री इंश्योरेंस कवर इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर सच प्रोजेक्ट। एक्सपोर्ट वगैरह में री इंश्योरेंस नहीं होता है। मेनी टाइम्स सच प्रोजेक्ट सीम नेसेसरी कंसिडरिंग द इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल रिलेशन ऑफ इंडिया विद द proposed importing country. It means that in options of credit insurance cover, the ability of Indian exporters to opt for such export projects is hampered. So it should be noted that in many developed economies, such projects are covered and underwritten on the government accounts. अब हम देखेंगे insurance penetration के बारे में। Now we'll discuss about insurance penetration. Insurance penetration is used to measure the growth of insurance industry. ठीक है, insurance penetration जो है इसको use किया जाता है ताकि measure किया जा सके growth of insurance industry in an economy. It is defined as the ratio of total insurance premium collected to the gross domestic product. नीचे रहेगा GDP अपॉन, ऊपर रहेगा क्या रहेगा, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, टोटल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भी पैसे के टर्म में है इसके रेशियो निकालोगे तो ये जो होगा ये कहलाएगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इट्स लेटेस्ट प्रोविजन इन द कंट्रीज गिवन बिलो। इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो मात्र 4.2% था 2021 में, जो कि हालांकि 2001 का जो 2.71% था उससे थोड़ा ऊपर था बट अभी भी जो 2009 में हमने पाया था 5.20% उससे काफ़ी नीचे, मतलब कि हमारे लोग इंश्योरेंस अब कम करा रहे हैं। 3.2% जो था इसमें लाइफ सेगमेंट में, 4.2 में से 3.2 जो है लाइफ सेगमेंट में है, और 1% मात्र जो है आपका नॉन लाइफ सेगमेंट में देखने को मिलता है। ग्लोबली अगर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया से मच हायर है, 6.90% है 2021 में, वेर इन 3% जो था लाइफ सेगमेंट में, 3.90% जो था नॉन लाइफ सेगमेंट में। इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज आर सेविंग्स लिंक्ड विथ जस्ट ए स्मॉल प्रोटेक्शन कॉम्पोनेंट। दिस इज वाई इवन आफ्टर हैविंग लाइफ इंश्योरेंस कवर मोस्ट हाउस होल्ड्स आर एक्सपोज टू फाइनेंशियल रिस्क
इन द इवेंट ऑफ प्री मेच्योर डेथ ऑफ द प्राइमरी ब्रेड विनर। 2021 की बात करें तो कंट्रीज लाइक ताइवान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, इनके जो पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। ताइवान का जो है 14.8% है, साउथ अफ्रीका का 12.2% है और यूएसए का जो है 11.7%, यूके का 11.1%, जो कि अच्छा खासा जो है नंबर है, भारत का काफ़ी कम है। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस की बात करें, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस क्या होता है? सो फॉर फैसिलिटेटिंग द सर्विसेज सर्विस ऑफ ECGC, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, द उसके सर्विसेज को और फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट NEIA, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया इन मार्च 2006 टू प्रमोट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट इन द केसेस वेयर ECGC, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड क्रेडिट कवर ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स। नंबर वन, द कॉर्पस जो है इसका कॉर्पस रखा गया है 66 करोड़, रेज टू 246 करोड़ बाई 2007-08 एंड वॉज इन्हेंस टू 2000 करोड़ इन 2007 वाला से लेकर 12 तक का जो 11th प्लान था उसमें। रिसोर्सेज ऑफ जो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस एजेंसी है विल बी कॉर्पस, द प्रीमियम इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रिकवरी ऑफ ऑल क्लेम्स पेड एज पर प्रोविजन एन एक्सपोजर इक्वल टू 10 times कॉर्पस कैन बी टेकन बाई NEIA। जो ये NEIA है, दिस कैन कवर प्रोजेक्ट्स विच फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या, कौन कौन से प्रोजेक्ट को कवर करेगी? नंबर वन, द प्रोजेक्ट बाई इट्सेल्फ शुड बी कॉमर्शियली वाइबल, ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि कॉमर्शियली वाइबल है, बेकार प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। द प्रोजेक्ट शुड बी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वो हो सकता है कि डिफेंस के नज़रिए से, विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद द इम्पोर्टिंग कंट्री, उसको ये डेफिनेटली जो है इंश्योर करेगी। एंड द एक्सपोर्टर शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज इविडेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। The use and benefits of NEIA need to be publicized among its beneficiaries. Meanwhile, many export projects pertaining to Indonesia, Vietnam, Iran, Sudan, etc. are underway. The NEIA will facilitate potential project exporters to enter the international trade area as it is expected to be so. In the era of globalization, it has been praised as welcome development by the experts and the trades people alike. अब हम जरा देख लेंगे रीजन क्या कह रहे हैं हमारे अंडर डेवलपमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर का अंडर डेवलपमेंट रहने का रीजन क्या कह रहा है। सो एज पर द वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश बाई एडा जो है 2000 में बना था एंड अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो देखें, देयर हैव बीन सेवरल रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन द कंट्री। तो क्या क्या रीजन है देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स एंड डिलेड क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर रहा है। आप इंश्योरेंस ले लेते हो, जब कुछ हो जाता है तो जब सेटलमेंट करने लोग जाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी डिले हो जाता है सेटलमेंट प्रोसीजर में। इसके अलावा वेग एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। जो क्लैरिटी होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो यहाँ पे दिखती नहीं है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं, समझ में नहीं आते। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग द मासेस एंड लोअर इनकम लेवल होता है पॉपुलेशन का, तो वो भी नहीं खरीदते हैं, वो सोचते हैं कि भाई खा पी लो, किस लिए फालतू में पैसा खर्चा करना है, ये भी सोचते हैं लोग। सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, लोग मानते हैं कि अब मरना ही है तो उसकी इंश्योरेंस क्यों करानी है, इस तरीके की भी सोच है। लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री इज वेरी लेस, ठीक है, काफ़ी कम है प्लेयर्स, जो लेवल प्लेयर्स होने चाहिए वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है। लेस वाइब्रेंसी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। द इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आया था, 2021 में दे आर सपोज टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एज वेल एज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। I will cover recent insurance reforms. So with the objective of aligning insurance industry with the changing times, weeding out its weaknesses and help it grow and expand, the government amended Insurance Act, kab amend kiya bhaiya?
अमेंड हुआ है ये सन 2015 और 2021 में दो बार. अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग मेजर चेंजेस दैट हैव बीन डन इन रिसेंट टाइम्स वो देख लेंगे. नंबर वन जो चेंज हुआ है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आज की डेट में इंश्योरेंस के इंडस्ट्री में जो FDI अलाउड है वो जो अलाउड है इंश्योरेंस के फील्ड में वो 74% है. अर्लियर ये 49% हुआ करता था. मतलब कि फॉरेन पैसा यहाँ पे खूब सारा लग सकता है. ये 2021-22 का डेटा है. एंड अलाउड फॉरेन ऑनरशिप जो है एंड कंट्रोल विथ सेफ गार्ड. मतलब इंडियन कंपनी को कोई फॉरेन बंदा भी एक्वायर कर सकता है फॉरेन पैसा लगा के. तो एक जो कैपिटल का जो क्रंच है उससे दूर होगा. नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द गवर्नमेंट कंपनीज. द फोर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियाँ हैं जिसमें न्यू इंश्योरेंस इंडिया लिमिटेड है और तमाम बाकी हैं. प्रेजेंटली दे रिक्वायर्ड एज पर द सेंट्रल एज पर द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 वाला जो है 100% गवर्नमेंट ओन्ड होना चाहिए था इस एक्ट के हिसाब से. बट नाउ दे आर अलाउड टू रेज कैपिटल एंड दिस विल इनेबल देम टू हैव एडिशनल कैपिटल फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन इन द रूरल एंड सोशल सेक्टर्स एंड इन्हेंस्ड कम्पिटिटिवनेस. जितना ज़्यादा पैसा लगेगा कैपिटल लगेगा उतना ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी कंपनी एक्सपेंशन होगा. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनरशिप इज़ टू बी मेंटेन्ड मिनिमम एट 51%. मतलब गवर्नमेंट ओन्ड ही रहेगी. इससे नीचे आएगा तो प्राइवेट ओन हो जाएगा ना. तो गवर्नमेंट ओन्ड रहेगी बट मैक्सिमम पैसा अब इसमें प्राइवेट का भी लगेगा. नेक्स्ट आता है कंज्यूमर वेलफेयर. अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ना कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर रही है. इट विल इनेबल द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स टू बी बेटर सर्व्ड थ्रू प्रोविजंस लाइक दोज इनेबलिंग पेनाल्टीज ऑन इंटरमीडियरीज इंश्योरेंस कंपनीज फॉर मिसकंडक्ट एंड डिसअलाउइंग मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू कर्टेल द प्रैक्टिस ऑफ मिस सेलिंग. मतलब कि कोई सा भी अगर फ्रॉड होता है आपके साथ सेलिंग में तो आप जो है देखोगे कि आजकल ऐसी कंपनियों पे बहुत ज़्यादा जो है इरडाई जो है पेनाल्टी लगाता है. नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट ऑफ इरडाई. इरडाई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं. द एक्ट विल इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स टू इंश्योरर्स. अब इंश्योरर्स का जो होगा वो इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू होता है और ये एजेंट जो है दे बेसिकली वर्क फॉर देम एंड काफ़ी अच्छे से समझाने का काम करते हैं. नॉलेजेबल होने चाहिए. क्वालिफिकेशन इनका एलिजिबिलिटी अब जो है इरडाई डिसाइड करती है. तो इरडाई इनको सेलेक्ट करने का इनके तमाम चीज़ों का डिसीजन जो है क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए वो इरडाई डिसाइड करती है. हेल्थ इंश्योरेंस. द एक्ट डिफाइंस हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस एज इंक्लूसिव ऑफ ट्रैवल एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराते हो तो उसमें अगर आपको ट्रैवल के दौरान कुछ हो जाता है पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी आपका ये कवर होगा. ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल चीज़ को हटा दिया जाएगा. एंड डिस्करेजेस नॉन सीरियस प्लेयर्स बाय रिटेनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एट द लेवल ऑफ 100 करोड़. मतलब इससे नीचे की कंपनी जो है आ ही नहीं सकती मार्केट में. देयर बाय पेविंग द वे फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एज ए सेपरेट वर्टिकल. तो एक अच्छा मतलब अमाउंट के साथ अगर कोई कंपनी लगेगी तो अच्छा काम करेगी. नेक्स्ट है प्रमोटिंग री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. री इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनियों का भी तो इंश्योरेंस होता है, उसे ही हम री इंश्योरेंस कहते हैं. सो प्रमोटिंग री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया दिस इट इनेबल्स फॉरन री इंश्योरेंस टू सेटअप ब्रांचेज इन इंडिया एंड डिफाइंस री इंश्योरेंस टू मीन द इंश्योरेंस ऑफ पार्ट ऑफ वन इंश्योरेंस रिस्क बाई अनदर इंश्योरेंस हु एक्सेप्ट्स द रिस्क फॉर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रीमियम. ठीक है, एंड देयर बाई एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 100% सीडिंग ऑफ रिस्क टू अ री इंश्योरर विच कुड लीड टू कंपनीज एक्टिंग एज फ्रंट कंपनीज फॉर अदर इंश्योरेंस. तो मतलब वही है कि री इंश्योरेंस के बिजनेस को भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है. इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्री काउंसिल्स. सो द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है दे हैव नाउ बीन मेड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज. खुद का रेगुलेशन खुद कर सकती हैं बाय एम्पावरिंग देम टू फ्रेम बाई लॉज फॉर इलेक्शंस. इनके जो बंदे चुने जाते हैं काउंसिल में वो उनके उसके लिए लॉ लाया गया है. इसके अलावा मीटिंग एंड लेवी एंड कलेक्ट द फीस एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इंक्लूजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
इसके अलावा इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी बंदे जुड़ेंगे इसमें। इन इंश्योरेंस काउंसिल हैज़ ऑल्सो बीन इनेबल टू ब्रॉडली बेस द रिप्रेजेंटेशन ऑन दीज काउंसिल्स। नेक्स्ट है रोबस्ट एपलेट प्रोसेस। एपलेट प्रोसेस की क्या ज़रूरत है? मान लो कि कोई कंपनी जो है उस पर कोई किसी भी तरीके का कोई विवाद हो गया, किसी भी गवर्नमेंट से हो गया, किसी के थ्रू हो गया, तो एपलेट में जाएगा वो। सो रोबस्ट एपलेट प्रोसेस मीन्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ इरडाई आर टू बी प्रीफर्ड टू सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल एज द अमेंडेड लॉ प्रोवाइड्स फॉर द एनी इंश्योरर और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट एग्रीव्ड बाई एनी ऑर्डर मेड बाई इरडाई टू प्रीफर एन अपील इन सैट। कहने का मतलब है कि इरडाई को अगर लगता है कि कंपनी जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है इंश्योरेंस से रिलेटेड रूल्स को, तो वो कई बार उसके अगेंस्ट में वर्डिक दे देती है। बट कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन वर्डिक नहीं होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, तो उस केस में जो अपील जो है हो सकता है सिक्योरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल में डायरेक्टली ये बंदे जा सकते हैं, इंश्योरर कंपनी जा सकती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स। सो द इरडाई हैज़ अनाउंस द रीडिजाइंड इनिशियल पब्लिक ऑफर्स ऑफरिंग गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज विच आर लुकिंग टू डाइवेस्ट इक्विटी थ्रू द IPO रूट। जैसे कि अभी LIC का हुआ था, LIC ने अपना ढेर सारा स्टेक बेचा IPO ला के और लिस्ट हो गई है अभी कहीं ना कहीं मार्केट में। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ इन एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स इशूड बाई बैंक्स। टायर वन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि सेफ बॉन्ड माने जाते हैं, जो कि बैंक इशू करता है। यहाँ पे ये कोलेट्रल लेके इशू किया जाता है, विच आर रेजिंग कैपिटल टू कंप्लाई द बसेल 3 नॉर्म्स। दस द अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट इन्हेंसमेंट इन इंश्योरेंस लॉस इन कीपिंग विद द इवॉल्विंग इंश्योरेंस सेक्टर सिनेरियो एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब। इसके अलावा दोस्तों कुछ बॉक्सेस छूट गए हैं, वो बॉक्सेस देख लेते हैं। दो बॉक्सेस छूटे हैं। यहाँ पे एक बॉक्स देखिएगा, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है। नहीं, इंश्योरेंस डेंसिटी तो हमने कवर कर रखी थी। नहीं, यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में। सो इंश्योरेंस डेंसिटी इज़ यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन एन इकोनॉमी। ठीक है कि भाई इंश्योरेंस डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा जो है इंश्योरेंस जो है कंपनी काम कर रही है, और इस सेक्टर का ग्रोथ उतना ही अच्छा हो रहा है उस पार्टिकुलर कंट्री में। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द गिवन ईयर। आई थिंक हमने कवर कर लिया है। खैर, मतलब कि मान लो कि एक देश में 100 बिलियन डॉलर जो है बिलियन डॉलर जो है ये आपका प्रीमियम कलेक्ट होता है, और वहाँ का टोटल GDP देख लो, टोटल जो है वहाँ का पॉपुलेशन कर लो, GDP नहीं, GDP तो अलग हो जाएगा, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कर लोगे अपॉन, तो ये आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस डेंसिटी इन ए गिवन ईयर। इट इज़ डिराइव्ड इन $ फॉर कन्वीनियंस ऑफ कंपैरिजन। इट्स लेटेस्ट पोजीशन इन द कंट्री इज गिवन बिलो। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो $91 बिलियन है, विच इज अप फ्रॉम 11.1 जो था ये 2001 में था, 2021 में अब $91 हो गया है $ बिलियन में फॉर द लाइफ सेगमेंट, और $ जो है $22 बिलियन जो है नॉन लाइफ सेगमेंट में है। ठीक है, नॉन लाइफ सेगमेंट में कम है, लाइफ सेगमेंट में ज़्यादा है, मच लोअर देन द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये है ग्लोबली अगर देखें तो ये जो है 874 का एवरेज निकल के आता है 2021 में, जिसमें 390 जो है लाइफ सेगमेंट के लिए है, $390 बिलियन और $484 जो है वो आपको देखने को मिलता है नॉन लाइफ सेगमेंट में। अच्छा, एक एक बंदे का है, बिलियन में नहीं आएगा, एक एक बंदे का है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट जो है अपॉन टोटल पॉपुलेशन था। सो इन 2021 कंट्रीज लाइक द USA, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड हैड ए हायर इंश्योरेंस डेंसिटी एट $8193। इतना खर्च कर देता है एक बंदा एक साल में, और आप देख सकते हैं कि सिंगापुर में भी $6610 खर्चा होता है और एक बंदा कर जाता है इतना। स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी अच्छा खर्चा होता है, यहाँ पे जो है एक बंदा जो है एक साल में खर्च कर देता है $6742। ये OECD का डेटा है, मार्च 2023 का डेटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बॉक्स है उसको भी देखेंगे। ये बॉक्स के एडवर्स सिलेक्शन के बारे में बताता है। ये जो है बेसिकली एक कह सकते हैं कि
इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है, मतलब उसका ड्रॉबैक है। वन एमंग द टू काइंड्स ऑफ मार्केट फेल्योर ऑफन एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस बिजनेस विच मीन्स डूइंग बिजनेस विद द पीपल वन वुड हैव बेटर अवॉइडेड। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर ये जो है एडवर्स सिलेक्शन को नहीं चाहती है। एडवर्स सिलेक्शन है क्या? एडवर्स सिलेक्शन कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन देयर इज एन एसिमेट्री इन इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेलर एंड बायर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एज इंश्योरेंस विल नॉट बी प्रॉफिटेबल व्हेन बायर्स हैव बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क ऑफ क्लेमिंग देन डज द सेलर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर जितनी जानकारी रहेगी बंदे के पास कि कितना इंश्योरेंस से पे करता है कितना नहीं करता है, उतना ही कम उस बिजनेस का जो है ग्रोथ होगा। तो कई बार जो है इंश्योरेंस कंपनियां अपना डेटा छुपाने की कोशिश करती हैं। इन द आइडियल केस इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर सेट इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन इन द इंश्योर्ड ब्रैकेट सच एज अगर 40 ईयर्स ओल्ड मेल है और स्मोकर है तो वहाँ पे जो होगा प्रीमियम उसके हिसाब से होगा। ऑफ मतलब कि कह सकते हैं कि स्मोकर है तो हेल्थ इशू हो सकता है ना। सो द अदर काइंड ऑफ मार्केट फेल्योर इज मोरल हजार, जिसे हम आगे देख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे मोरल हजार देखने से पहले हम देख लेते हैं डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एम्ड एट डिजिटाइजिंग हेल्थ डेटा ऑफ सिटीजन्स, टारगेट अगर हम देखें कि हम डिजिटाइज करेंगे हेल्थ डेटा सिटीजन्स का एंड लिंकिंग देम टू द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, द गवर्नमेंट लॉन्च NDHM दैट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके तहत 2020 में डिसीजन लिया गया कि हर बंदे का हेल्थ कार्ड होगा, हेल्थ आइडेंटिटी होगी उसकी यूनिक, और एक हेल्थ कार्ड होगा जो कि आधार से लिंक होगा और कहीं ना कहीं उस हेल्थ कार्ड का जो है डिजिटल यूज होगा। ठीक है, डिजिटली आप कहीं भी इलाज कराओ आपका हेल्थ कार्ड देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें रही हैं। सो दे विल बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स अंडर द वॉलंटरली प्रोग्राम, दे आर सपोज टू फंक्शन एज द बैकबोन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल ब्रिंग इन द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द सिटीजन इन पार्टिकुलर एंड इकोनॉमी एट लार्ज। क्या क्या बेनिफिट होगा अगर ऐसा किया जाए? तो कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री जो है एक आदमी की वो अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि उसका जितना भी कच्चा चिट्ठा है उसके हेल्थ से रिलेटेड वो हेल्थ कार्ड में आ जाएगा फॉर डायग्नोसिस स्टडी बाई हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर। ये आसानी भी देगा उनको, मान लो किसी डॉक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा पता चल गया तो आपको बेटर मेडिसिन देगा ना। तो नेक्स्ट है, इट विल हेल्प टेली मेडिसिन एंड वर्चुअल कंसल्टेशन एक्सपैंड टू इनएक्सेसिबल एरिया। अब आप मान लो कि कहीं दूर दराज देश में देश के कोने में बैठे हो और आप दिल्ली में किसी डॉक्टर को डिजिटली कांटेक्ट करते हो और बताते हो कि आप मेरा ना डिजिटल डेटा देख लीजिए, ये मेरा हेल्थ कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली मेरे अभी ये दिक्कत आ रही है मुझे मेडिसिन दे दीजिए, तो ये पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंट एंड बेटर नॉलेज ऑफ ए पर्सन मेडिकल हिस्ट्री विल हेल्प इंश्योरेंस कंपनी इन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज विथ एडवांटेजेस सच एज बेटर प्रीमियम प्राइसिंग, बेटर हेल्थ प्रोडक्ट और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी। कहने का मतलब इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले कंपनियों को भी काफ़ी फायदा होगा, उनको भी पता चल जाएगा कि बंदों का हेल्थ रिकॉर्ड क्या है। तो किसी को भी मान लो वो इंश्योरेंस बेच रही है तो उसको पता है कि वो क्रिटिकल एलिमेंट्स है तो उसको उस हिसाब से प्रीमियम देगी। ठीक है, मतलब हाई प्रीमियम होगा बट उसमें बेटर फैसिलिटी भी देगी, तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती हैं, जैसे कि आप बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं। आपने ज़्यादा एक्सरसाइज ना करी, मोटापा है, तमाम चीज़ें, हेडेक है। सो लाइफस्टाइल डिजीज़ बीइंग इमर्जिंग चैलेंज फॉर टाइम, द डिजिटल हेल्थ डेटा कैन बी कस्टमाइज टू इंड्यूस लाइफस्टाइल चेंजेस अमंग द सिटीजन्स थ्रू वेलनेस सेंटर्स। तो ये सब कुछ भी पॉसिबल है इसमें। यहाँ पे अब मोरल हजार जैसे बताया था मैंने कि दो चीज़ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मतलब बहुत बुरी मानी जाती है, एक तो मैंने बताया एडवर्स सिलेक्शन, दूसरा है मोरल हजार। सो दिस इज अ सिचुएशन इन विच समवन टेक्स रिस्क नोइंग दैट कॉस्ट ऑफ रिस्क विल बी बॉर्न बाय समवन एल्स। कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास एक कार है, आपने कार का इंश्योरेंस करा लिया, या फिर आपके पास एक घर है तो घर का इंश्योरेंस करा लिया आपने, अब घर को पहले के से ज़्यादा आप केयर नहीं कर रहे हो, आग लगी लगने दो, नेगलेक्ट हो गए हो कि भाई कुछ हो भी गया आप बिल्कुल चिंता फ्री हो, नेगलेक्ट कर रहे हो आप।
कि भाई अब तो मैंने घर को इंश्योर करा ही दिया, कुछ होगा भी तो मुझे पैसा मिल जाएगा। कार का हमने अब बिल्कुल इंश्योरेंस करा रखा है, तो रैश ड्राइविंग करने लगते हो कई बार, आप कार की सेफ्टी नहीं करते, चोरी हो जाती है। तो ये इस तरीके की चीज़ को कि भाई मैंने इंश्योरेंस करा लिया और अब मुझे कोई कुछ तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उस तरीके की चीज़ को मोरल हजार्ड कहते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत बुरा मानते हैं इसको। सो वन ऑफ द टू चैलेंजेस ये माना जाता है मोरल हजार्ड इंश्योरेंस कंपनी के लिए दे फेस, द अदर बीइंग एडवर्स सिलेक्शन, मैंने जो बताया था। सो इस तरीके की जो मोरल हजार्ड होती है दे अराइज व्हेन बोथ पार्टीज इंश्योरेंस फर्म और इंश्योर्ड जो होता है दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। बैंक ऑल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस वाइल लेंडिंग, कि भाई वो देगा कि नहीं देगा। सो इन प्रैक्टिस व्हेन आवर हाउसेज आर नॉट इंश्योर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, वी टेक मोर प्रिकॉशन, कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर का ख्याल रखते हो। जैसे ही आप अपने हाउस का इंश्योरेंस करा लेते हो तो आप नेग्लेक्ट करने लगते हो चीज़ों को, ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ आर नेग्लिजेंस इज बॉर्न बाई द इंश्योरेंस फॉर्म। हम सोचते हैं कि भाई कुछ भी होगा तो मिल ही जाएगा पैसा, तो आप इतनी केयर नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस इंक्लूजन, जैसा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसी का एक सब पार्ट माना जाता है इंश्योरेंस का इंक्लूजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस में जोड़ो। सो इंश्योरेंस इंक्लूजन बीइंग इंटीग्रल टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, द फॉलोइंग मेजर सोशल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इन सेक्टर बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट टाइम। सोशल इनिशिएटिव क्या होता है? ऐसा इनिशिएटिव जो सोसाइटी को इससे जोड़े, अवेयरनेस टाइप का, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, बट ओवरऑल सोसाइटी को जागरूक करने के लिए लाया गया था। इट ऑफर्स ए रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी कवर टू ऑल सब्सक्राइबिंग बैंक अकाउंट्स होल्डर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स। ठीक है, मान लो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ते हो, आप 18 से 70 साल के बीच के हो, तो आपको मात्र 12 रुपये का प्रीमियम देना था पर साल का, और जो है आप इंश्योर हो जाते 2 लाख रुपये के एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, एंड 1 लाख फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। अगर 2 लाख आपका कहीं एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख मिलता है, और अगर आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है जहाँ पे आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, दोबारा हाथ पैर अब नहीं जुड़ेगा, तो उसके केस में 1 लाख रुपये आपको मिलता है मात्र 12 रुपये के प्रीमियम पर। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना हमने देख लिया, अब जीवन ज्योति बीमा योजना देख लेते हैं। सो द स्कीम ऑफर्स ए रिन्यूएबल 1 ईयर टर्म लाइफ कवर दिया जाता है 2 लाख का टू ऑल सब्सक्राइबिंग बैंक अकाउंट होल्डर, जहाँ पे एज उनकी होती है 18 से 50 साल तक होती है। ये सब 2013-14-15 में ये स्कीम्स आए थे। नेक्स्ट आता है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? तो सेप्टेम्बर 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अंडर आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड कवरेज प्रोवाइड करने के लिए अप टू फाइव लाख टू मोर देन 50 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज। 10 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया फ्रॉम 34% से लेकर 50% तक ये पहुँचा देगा। नेक्स्ट है आनंदा स्कीम जो है नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, LIC ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। इसका ये पहला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप फॉर द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विथ द एड ऑफ द एजेंट। इसमें एजेंट की मदद से उसके सहायता से, ब्रोकर की सहायता से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेपरलेस बनाया जा रहा है। नेक्स्ट विल सी वे फॉरवर्ड, इस सेक्टर में वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है भारत में वो इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी ये $300 बिलियन की हो जाएगी 2025 तक, जिसमें जहाँ पे ग्रोथ रेट जो होना है वो 15 से 18% तक का होना है। 15% होना है लाइफ वाले सेगमेंट में, और नॉन लाइफ सेगमेंट में यहाँ पे 18% का ग्रोथ होना है रेस्पेक्टिवली।
द ग्रोइंग मिडिल क्लास या फिर कह सकते हैं यंग इंश्योरेबल पीपल जो है, ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग आर कंसिडर द फेवरेबल फैक्टर्स। ठीक है, लोग जो है आजकल प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ को, तो लाइफ को प्लान कर रहे हैं तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं। टू हेल्प द इंडस्ट्री एक्सपैंड एज पर द एक्सपेक्टेशंस द फॉलोइंग इशूज नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। क्या क्या इशू को जो है देखना पड़ेगा। दैट नंबर वन इज अवेयरनेस नीड्स टू बी स्केल्ड अप टू मैच द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी कंपेरेबल टू एटलीस्ट एशियन पीयर्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल जो है इंश्योरेंस कंपनी में, उसको इन्हेंस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा कैपिटल को। जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं दे नीड हेल्प इन चेकिंग देयर लॉसेस, कैसे उनकी लॉसेस को कम किया जा सके वो भी ज़रूरी है, खासकर आपकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर नीडेड। ठीक है, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एंड प्रीमियम अंडर कटिंग बाई इंश्योरेंस कंपनीज नीड टू बी चेक्ड, प्रीमियम अंडर कटिंग भी चेक करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स अ स्पेशल हेल्प एज इट्स पेनिट्रेशन रिमेन्स जस्ट 1/5 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। एज पर द इरडाई इट स्टूड 0.4% ऑफ द GDP इन 2023 अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज जो कि 2% का है। यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सपेडाइट द सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विच रिमेन्स अनड्यूली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल चैनल। द सपोर्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है दैट नीड्स टू बी यूज सून टू स्केल अप द हेल्थ इंश्योरेंस। सो इस चैप्टर में दोस्तों इतना ही, अगला चैप्टर जो होगा 13वां जो होगा अभी जल्दी लेके आएंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।